नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लेक्टर हॉबी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये जो एम्पलीफायर देख रहे हैं, एकदम स्लिम सा फ्रंट पैनल फुल्ली ब्लैक के साथ है। ये एक्चुअली ब्लैक बीट का जो हमारा कैबिनेट है उसके ऊपर थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन करके इसको हम तैयार किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसके बारे में हम डिटेली आपको बताएंगे। दोस्तों ये एक 12-12 24 वाट का एम्पलीफायर है, जिसकी एक एक चैनल पे, चैनल ए चैनल बी दो चैनल पे आपका 12-12 24 वाट आउटपुट इसके अंदर से आउटपुट मिल जाता है। इसके आउटपुट का जो टेस्टिंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। इसका क्या प्राइस है वो भी हम आपको आज बताएंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए वीडियो के अंदर जाते हैं और अंदर में क्या है इसका हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। दोस्तों हमारा 900 वाला किट है, जिसके अंदर हमने मॉस्फेट, एकदम हैवी मॉस्फेट लगाकर इसको हम तैयार किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। और ख़ासतौर इसकी जो ट्रांसफार्मर है ये काफ़ी जो तगड़ा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, जिसके अंदर कहीं पर भी कोई भी वीकनेस रखा नहीं गया है। एकदम प्योर कॉपर के साथ ये ट्रांसफार्मर है, एकदम 68 वोल्ट की ट्रांसफार्मर है, 68 का ट्रांसफार्मर है, जहाँ पर आपको 25 एम्पियर प्लस इसकी वाटेज रह जाता है, एम्पियर रह जाता है। और बाकी आपको यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो हमारी इलेक्ट्रो हबल स्पीकर प्रोटेक्शन है। और पीछे बनाना कनेक्टर की टर्मिनल्स मिलता है, दो फ्यूज मिलता है आपको। और इधर ये वाला सेक्शन है, इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये हमने जो बायसिंग वोल्टेज है, बायसिंग वोल्टेज को यहाँ से तैयार किए हैं, जो कि SMPS हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि कुछ दिक्कत हो रहा है, क्योंकि काफ़ी SMPS जो कि डैमेज होने की जो बात आ रहा है, तो एक लॉट का, तो इसलिए हमने SMPS यूज़ नहीं किया। यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन कर दिए हैं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज को हमने थोड़ा सा बढ़ा कर दिए हैं। और यहाँ पे जो कि 78-12 लगा कर हमने यहाँ पे कुछ, और नीचे कुछ चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एकदम प्योर 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा इस सर्किट के अंदर यहाँ पे, तो बायसिंग का भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, काफ़ी अच्छा और खासा बजेगा ये। और व्यू मीटर यहाँ पे मिल जाता है आपको, इलेक्ट्रो हबल व्यू मीटर, जो कि 2-layer PCB के साथ है, अच्छी क्वालिटी का, देख लीजिए 5 LED वाला व्यू मीटर। और यहाँ पे कैपेसिटर देख लीजिए, हमारा जो यूसोनिक का कैपेसिटर है, ओरिजिनल 10,000 μF 100 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे 4 हमने लगाए हैं। और इधर सॉफ्ट स्टार्टर ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके नीचे NTC भी लगा हुआ है, ओके देख लीजिए। बाकी कुछ ज़्यादा बात करने का चीज़ नहीं है इसमें, कोर हमने ओरिजिनल लगाए हैं, डस्ट कोर, जो कि एम्पियर अच्छा कैरी करेगा। डस्ट कोर के अंदर भी कई सारा वेरियंट आता है, ठीक है, तो हम अच्छा वेरिएंट जो है हम वही मंगाए हैं और वही लगाए हैं यहाँ पर, ओके। तो चलिए दोस्तों इसके टेस्टिंग वीडियो हम आप कर लेते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ से कनेक्शन किया गया है, देख लीजिए एकदम बॉडी के साथ अटैच्ड है, ताकि जो भी हीट प्रोड्यूस होगा टोटल बॉडी में डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए।